Hi everyone, I welcome all of you on our YouTube channel Grad School. In this video lecture series, we are talking about the chapter number 3 of class 12th biology, which is sexual reproduction in flowering plants. In this particular video tutorial, we are going to talk about fertilization in sexual plants. I am Diksha Garg presenting this video for you. अभी आपने सुना होगा कि जो fertilization है इन सेक्सुअल प्लांट्स और वी कैन ऑल्सो से एंजियोस्पर्म्स, इनमें फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये डबल फर्टिलाइजेशन का क्या केस है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं एंड हाउ ऑल द मैकेनिज्म हैपन्स इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज एक्चुअली फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होता क्या है, देखिए, जब मेल और फीमेल गैमेट बोथ जब फ्यूज हो जाती हैं देन फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं. ओके, सो मेल गैमेट किस में होता है, पॉलन ग्रेन में इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड वी हैव फीमेल गैमेटोफाइट जहाँ पे क्या है, ओव्यूल है हमारे पास. सो ओव्यूल एंड द पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स हैं दे विल फ्यूज टुगेदर. अगर मेल गैमेट जो है वो आए फीमेल गैमेट के पास देन इस केस को हम क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी. ओके, साइफोनोगैमी. देखिए, जब हम फीमेल गैमेट देखते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है और एग सेल होता है. तो होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं. बट होता क्या है कि जो एक ही पॉलन ग्रेन है वो क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है. पॉलन ट्यूब है जो, वो पॉलन ग्रेन खुद ओव्यूल्स के पास नहीं जाता, इट इज़ द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब निकलती है पॉलन ग्रेन में से, दैट ट्रांसफर्स द पॉलन, ट्रांसफर्स पॉलन गैमेट्स. ओके, वो पॉलन गैमेट्स को ट्रांसफर करेगी टू द ओव्यूल्स. सो जो ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो कैसी होती है, थ्रू केमिकल्स. बहुत सारे केमिकल्स होते हैं लाइक बोरॉन, कैल्शियम. तो इनका क्या है, स्टाइल में ये जो केमिकल्स हैं इनका ग्रेडियंट बना होता है, मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे नीचे को जाती है पॉलन ट्यूब. सो अकॉर्डिंग टू द chemical gradient of these calcium, boron, etc. and some sugars also, तो chemotropically जो है pollen tube move करती है, chemotropically. तो जो signal मिलता है pollen grain को कि नीचे को pollen tube ने जाना है, that occurs through the chemical gradient. So here you can see जो ये है pollen grain है एंड इसके बाहर कौन सी लेयर होती है, एग्जाइन की लेयर होती है, अंदर क्या होता है, इंटाइन. ओके, तो जिस पोर्शन के ऊपर एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होती वहाँ से क्या होता है, पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है. ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब क्या है, ग्रो करती है इनसाइड द स्टाइल ऑफ द प्लांट. तो स्टाइल के अंदर ही इसकी ग्रोथ होती है और नीचे पहुंच जाती है. तो इसकी जो लेंथ है दैट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द प्लांट. इसकी लेंथ जो है ए फ्यू मिलीमीटर्स, मिलीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक जा सकती है. 45 सेंटीमीटर पर्टिकुलरली मेव में होता है ऐसा, मेव वी हैव द एग्जांपल. तो मेव में काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है पॉलन ट्यूब नज़र आती है. इन दिस डायग्राम यू कैन सी ओवर हेयर कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या है, येलो कलर के दिखाए गए हैं आपको यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स. तो येलो कलर की पॉलन ट्यूब दिखाई गई है,
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एग सेल विद पॉलन न्यूक्लियस, ओव्यूल के अंदर एग सेल है, ओवरी है ये पूरी, एंड स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब पास कर रही है। लैंड कहाँ पे करी थी, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन पॉलन ग्रेन्स लैंड अप हुए थे थ्रू, देन दे पास थ्रू द पॉलन थ्रू द स्टाइल थ्रू द पॉलन ट्यूब एंड दे रीच द ओवरी। ओवरी में क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, एग सेल है, एग सेल में क्या है, पॉलन ट्यूब एंटर हो जाती है एंड द गैमेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, सो इस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन्स के गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल। देखिए यहाँ पे ओव्यूल की ये जो है स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अगर आपने फीमेल गैमेटोफाइट वाली वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन प्रेस ऑन द आईबॉल बटन प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन। एंड बेसिकली होता क्या है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक चलावल एंड होता है। ठीक है, तो बाहर क्या होती है, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। तो जब पॉलन ट्यूब आ रही है ऊपर से तो इट हैव थ्री ऑप्शंस। इट कैन आइदर एंटर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, अगर तो ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, पोरोगेमी। पोरोगेमी की एग्जांपल है हमारे पास लिली। लिली फ्लावर्स में क्या होता है, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड पॉलन ट्यूब एंटर होती है। इफ इट इज एंटरिंग थ्रू चलावल एंड, यहाँ से ऊपर से अगर पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब आ रही है ऊपर से तो ये क्या है, चलावा से एंटर कर रही है और फिर एग सेल को फर्टिलाइज कर रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज चलाजोगेमी। एंड इफ द पॉलन ट्यूब इज कमिंग फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स, अगर इंटेग्यूमेंट्स से आ रही है लाइक यहाँ से बाहर से इंटेग्यूमेंट से आ रही है और फिर फर्टिलाइज कर रही है एग सेल को, देन इट इज़ कॉल्ड एज मीजोगेमी। जो चलाजोगेमी की एग्जाम्पल है अपने पास है वो है कैफुआरीना, एंड मीजोगेमी की है कुकुरबिटा। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स आ सकती हैं एग्जाम में, आपको एक बार रिमेंबर कर लेना है कि मीजोगेमी की है कुकुरबिटा, चलाजोगेमी की क्या है कैफुआरीना, एंड पोरोगेमी की है लिली। तो चलाजोगेमी और पोरोगेमी का तो आपको बिल्कुल ही इजी है लर्न करना, कि पोरोगेमी नीचे से थ्रू माइक्रोपेलर, चलाजोगेमी थ्रू चलाजा, मीजोगेमी थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, सो वेरी इजी टू लर्न। नाउ वी विल सी कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। जो पॉलन ट्यूब ऊपर से आ रही है, देखिए ये येलो कलर की आपको नज़र आ रही होगी इस डायग्राम में, देखिए जो येलो कलर की पॉलन ट्यूब ऊपर से आई। ओके, सो इट विल बी पासिंग थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। तो वहाँ पे क्या होते हैं, साइनर्जिड्स होते हैं। तो साइनर्जिड्स कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं दैट विल डायरेक्ट द पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब को एक डायरेक्शन मिलती है दैट इट हैज़ टू गो टूवर्ड्स द एग सेल। तो एग सेल की तरफ जाने के लिए उसको डायरेक्शन कौन देता है, साइनर्जिड्स देता है। और जब पॉलन ट्यूब उसके अंदर पहुंच जाती है देन साइनर्जिड्स गेट डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि साइनर्जिड्स डायरेक्शन देने के बाद खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंटीपोडल्स जो हैं ऊपर प्रेजेंट होंगे, देखिए इन दिस डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर कि जो एंटीपोडल्स हैं ये तीन ऊपर है। ठीक है, ये जो है एग है, तो हमने क्या करना है, एग को फर्टिलाइज करेंगे एंड दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो अब देखिए ध्यान से समझे कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉलन ट्यूब आ रही है उसमें क्या है, दो गैमीट्स हैं, वन इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड अनदर इज द जनरेटिव न्यूक्लियस। और फीमेल गैमेटोफाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक तो एग सेल है और दूसरा हमारे पास टू पॉलर न्यूक्लियाई हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, पॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पॉलर न्यूक्लियस हमने सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई स्टेज पढ़ी थी। ओके, तो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई में क्या था, तीन एंटीबॉडल्स, दो साइनर्जिड्स, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल था। सेंट्रल सेल में क्या थे, दो न्यूक्लियाई थे। तो उन दो न्यूक्लियाई की बात कर रही हूँ मैं जो कि
पॉलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं हम उनको। ओके सो क्या होगा, एक जो है पॉलन ग्रेन से एक गैमीट विल बी फर्टिलाइजिंग द एग एंड अनदर वन विल बी फर्टिलाइजिंग द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में जब ऑलरेडी दो न्यूक्लियाई थे और एक न्यूक्लियाई पॉलन ग्रेन से आ गया एक गैमीट, तो वहाँ पे क्या हो गया, ट्रिप्लॉयड हो गया। तो एंडोस्पर्म गेट्स ट्रिप्लॉयड। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार नीट में एग्जाम में आता ही है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया क्या है। तो अगर आपको हैप्लॉयडी पूछी जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया की या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की, देन इट इज़ ट्रिप्लॉयड, 3N। ओके तो एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या होगा, हमेशा ट्रिप्लॉयड होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके सो दिस इज द थिंग। और जो ओव्यूल होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड, एंडोस्पर्म क्या होगा, 3N और ट्रिप्लॉयड। सो इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी ओवर हेयर, देखिए ये क्या है, यहाँ पे फाइनर्जिट्स दिखाए हुए हैं, दीज आर द फाइनर्जिट्स, यहाँ पे एग सेल दिखाया हुआ है, ये डायग्राम उल्टी है, जो हमने पीछे डायग्राम देखी उसका ऑपोजिट है ये डायग्राम। ओके यहाँ पे क्या है, दिस इज द ग्रीन पोर्शन या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC, तो उसके अंदर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस क्या है, 3N और ट्रिप्लॉयड। दिस इज द एंटीपोडल्स, तो एंटीपोडल्स का कोई खास फंक्शन नहीं है फर्टिलाइजेशन के टाइम। सो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है, कि फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स ब्रॉट बाय अ पॉलन ट्यूब, एक ही पॉलन ट्यूब से आएंगे दोनों मेल गैमीट्स, तो वो क्या करेंगे, दो डिफरेंट सेल्स को फर्टिलाइज करेंगे। एक तो होगा, एक सेल कौन सा होगा, एग सेल, एंड दूसरा सेंट्रल सेल। ओके सेंट्रल सेल आगे क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड एग सेल आगे बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉयड होगा, 3N। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। If you have any doubt, you can post it in the comment box below. And thank you for watching this video.